Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study how to select a remedy. What are the criteria, how we are selecting the remedies, similimum medicine to a patient. So aise koi criteria nahi hai, but as per my understanding, as per maine bahut sare books read kiye, un books ki understanding main aapko kuch batana chahti hu, kuch maine pointers leke aayi hu aapke liye, so I would like to share with you guys. So na ye sare jo pointers hai, it is the pointers which I regularly use in my practice, so I hope it is also useful for you guys. तो है ना, देख लेना. फर्स्ट पॉइंटर है ड्रग पिक्चर नॉलेज ऑफ रेमेडी. सो है ना, नॉलेज ऑफ रेमेडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब पूरा पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज आपके टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, नॉट रट्टा पट्टू, नॉट रट्टा मार होना चाहिए, लेकिन जो भी कोई उसका अंडरस्टैंडिंग है, जो भी कोई इस मेडिसिन की छोटे छोटे की नोट्स है, की पॉइंट्स है, या फिर छोटे छोटे अगर जो सब भी सिम्टम्स है, वो सारे आपको याद रहने चाहिए, वो सारे आपने पता होने चाहिए, ठीक है. उसके कॉम्प्लिकेशंस भी पता होने चाहिए साथ ही में. फिर सेकेंड आता है ड्रग पिक्चर. जैसे मैंने आपको बोला कि है ना, आपको अगर डिसीज पता है कि मतलब, हाँ चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि थायराइड है. थायराइड और थायराइड में दो टाइप्स होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है. हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म में डिफरेंस क्या है, ग्वाइटर कहाँ पे होता है, ग्रेव्स डिसीज कहाँ पे होता है, डॉटर्स डिसीज कहाँ पे होता है, पॉटर्स डिसीज कहाँ पे होता है, ये सारे डिसीजेस का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए एक फिजिशियन को. ये सारे डिफरेंसेस डिसीजेस के, या फिर इन सारे डिसीजेस के डिस्क्रिप्शंस, या फिर क्लिनिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस, एवरीथिंग वन डॉक्टर शुड नो, वन फिजिशियन शुड नो. सो जैसे ही आपने डिसीज का स्टडी किया, वैसे ही आपको सिक का भी स्टडी करना है, सिक पेशेंट का भी स्टडी करना है. मतलब आपको डायग्नोसिस अच्छा आना ही चाहिए. अगर रेमेडी सिलेक्ट करनी है तो आपको डायग्नोसिस तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि तब जाके आपको पता चलेगा ये रेमेडी उसको जा सकती है क्या, उसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है, ये सब कुछ आपको इस चीज से ही पता चलेगा. सो यू शुड नो द डिसीज पिक्चर एज वेल एज द ड्रग पिक्चर, ठीक है. अगर आपको डिसीज पिक्चर ही नहीं पता चलेगा तो आप ड्रग पिक्चर की तरफ जा ही नहीं पाओगे. अगर आपको नॉर्मल क्या है पता नहीं चलेगा तो एबनॉर्मल कैसे पता चलेगा आपको. अगर आपको नॉर्मल नहीं पता तो है ना, सब चीजें आपको एबनॉर्मली दिखेंगी, और अगर आपको सब एबनॉर्मल पता है तो आपको ईजी जाएगा डिसीज या फिर डायग्नोसिस करने, ठीक है. द आर्ट एंड स्किल इन मैचिंग द डिसीज पिक्चर विद द ड्रग पिक्चर. द आर्ट एंड स्किल, मतलब है ना, एक फिजिशियन के पास आर्ट चाहिए, स्किल चाहिए डिसीज के पिक्चर को और ड्रग के पिक्चर को मैच करने के लिए. तो ये दो जो है, लाइक नॉलेज ऑफ रेमेडी एंड नॉलेज ऑफ डिसीज, इन दोनों को अगर आप लोग मास्टर कर लेते हो, मतलब आपके पास डिसीज पिक्चर भी है, ड्रग पिक्चर भी है, एवरीथिंग यू नो, तो है ना, आपको पता चलेगा कि ड्रग प्रूविंग के टाइम पे एक पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दिए थे. वो सारे सिम्टम्स अगर आपके आंखों के सामने आ गए और आपका पेशेंट सामने बैठा है, उसको भी वही सिम्टम्स आ रहे होंगे, तो यू कैन प्रिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर रेमेडी. तो है ना, मतलब होम्योपैथी में कैसे रहता है, सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर. तो जो सिम्टम्स आप लोगों ने ड्रग प्रूविंग के टाइम पे निकाले हैं, वही अगर सेम सिम्टम आपको ड्रग के टाइम पे दिख रहे, सॉरी पेशेंट पे दिख रहे, तो आप लोग वो रेमेडी दे सकते हो. तो इसीलिए आपको स्किल और आर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कॉज ऑफ डिसीज, सो ना, डिसीज का कॉज क्या है, तो वो फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर एक्यूट डिसीज है तो वो क्यों हो रही है, उसका क्या पॉजिटिव फैक्टर है, क्या एलिमेंट, क्या उसका है ना, मतलब किस चीज से वो ट्रिगर हुआ है, एग्रीवेशन पॉइंट क्या है, तो है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है उसके. सो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपने वो कॉज निकाल लिया, एक तो पहले तो है ना, एक्यूट डिसीज में मेंटेनिंग कॉज बहुत रहता है, तो मेंटेनिंग कॉज अगर आप लोगों ने निकाल दिया, मेंटेनिंग कॉज अगर आप लोग है ना उसको कॉन्क्योर कर पाओगे मेंटेनिंग कॉज को, तो है ना आप लोग उसका 100% नहीं, 90% तो डिसीज आपने उसका उधर ही खत्म कर दिया. मतलब अगर एक इंसान अगर बोल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा कॉफ है, कॉफ है, कॉफ है, उसको एलर्जी कॉफ है, ये आपने डिटेक्ट कर दिया. लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्क के साइड में ही रह रहा है, तो है ना उसको वो ही तो मेंटेनिंग फैक्टर है. आपने कितनी भी उसको है ना दवाइयां दे दी, फिर भी उसका वो मेंटेनिंग फैक्टर जब तक नहीं हटेगा, तब तक उसका वो कॉफ नहीं हटेगा. सो ये अगर मेंटेनिंग फैक्टर अगर उसको हटा दिया, तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यूर यू गाइज टू ट्रीट द पेशेंट. मतलब अगर उस बंदे को हम लोगों ने कहीं पे और जाने को बोला, कहीं पे और शिफ्ट होने को बोला, जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है कुछ दिनों के लिए सिर्फ,
तो है ना वो बंदा ठीक हो सकता है. सो दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट इज. ठीक है, पर वो भी जानने के लिए आपको स्किल चाहिए केस टेकिंग का. ठीक है, टेम्परामेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट. तो कंस्टिट्यूशन क्यों ज्यादा जरूरी होता है? जब देखो अगर आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो कि है ना ये रेमेडी मुझे देनी ही देनी है, लेकिन ना सब चीज आप लोगों ने देखी कि कंस्टिट्यूशन देखा, टेम्परामेंट देखा, डायथिसिस देखा, माइजमेटिक बैकग्राउंड देखा, एवरीथिंग एवरीथिंग यू सॉ, और ये रेमेडी है ना कहाँ कहाँ के तो भी मैच हो रही है, कहाँ पे तो भी मैच नहीं हो रही. तो आप लोग थर्मल्स देख सकते हो, तो आप लोग टेम्परामेंट देख सकते हो, आप लोग कंस्टिट्यूशन देख सकते हो, सारे सिम्टम्स मैच हो गए, सारे मेंटल्स मैचिंग हो गए, सब कुछ हो गया. और है ना टेम्परामेंट और है ना कंस्टिट्यूशन को साइड में रखा, ऐसे तीन चार रेमेडीज आपने निकाले. ठीक है, और है ना एक रेमेडी का ऐसा होता है कि कंस्टिट्यूशन और टेम्परामेंट दोनों भी मैच कर रहे, तो है ना उन तीन चार रेमेडी जो सिलेक्ट किया आपने तो उसको फिल्टर आउट करने में ये कंस्टिट्यूशन और टेम्परामेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है. एंड इट विल बी आल्सो हेल्पफुल फॉर योर पेशेंट्स आल्सो, सो दैट उन्होंने अगर उनके कंस्टिट्यूशन का रेमेडी मिल गया दे विल बी वेरी मच क्विकली दे विल गेट द क्योर. ठीक है, नाउ नॉलेज ऑफ पोटेंसी सॉरी नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी लैबोरेटरी एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन. वन पेशेंट को अगर आता है पेशेंट आपके पास, वन फिजिशियन मस्ट हैव दिस थ्री नॉलेजेस. लाइक पैथोलॉजी का नॉलेज मतलब डिसीज का नॉलेज होना चाहिए. लैब अगर ना मैं डेंगू पेशेंट है मेरे पास तो ना मैं अगर उसका सिर्फ और सिर्फ सीबीसी करती रहूंगी एंड सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार सीबीसी कर लिया मैंने और लिपिड प्रोफाइल कर लिया मैंने फिर बस खत्म, एक्सरे कर लिया मैंने, क्या ही फायदा ना. उसका एक्चुअल में होना क्या चाहिए, तो उसका NS1 पॉजिटिव होगा वो, तो उसका ना डेंगू प्रोफाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तब जाके हमें पता चलेगा कि वो NS1 पॉजिटिव है, IgG IgM क्या पॉजिटिव है वो पता चलेगा. अगर वो पता चलेगा अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हमारी हम लोग कर सकते हैं. अगर हम लोग है ना उसको मतलब एलोपैथी मोड में तो वैसे ही होता है कि मेंटेनिंग डोसेस जाने देते, NS फुल छोड़ते हैं पेशेंट में और मतलब मल्टीविटामिन्स छोड़ते हैं, इसके अलावा और कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता. लेकिन होम्योपैथी में वैसे नहीं होता है, तो है ना बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है पैथोलॉजिकल डिसीज को अगर पता चले. पैथोलॉजिकल डिसीज अगर पता चले तो सॉर्टेड है इन्वेस्टिगेशन को पता चलना. इन्वेस्टिगेशन को पता चल गया तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं. मतलब डेंगू में हम लोग पिटाचियल हिमोरेजेस, हिमोरेजिक साइट्स पता चलेंगे, फिर ना असाइटिस पता चलेगा, प्लूरल इफ्यूजन पता चलेगा. तो इसके एग्जामिनेशन हम लोग क्या क्या करते हैं वो सारे के सारे हमें पता चलेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे. एंड इन्वेस्टिगेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी को जान के. तो इसीलिए डिसीज नॉलेज बहुत ज्यादा होना जरूरी है. ठीक है, so yeah, this was the only topic for selection of remedy. What are the key points, what are the pointers which you should know, which every patient every physician should know this, ki hai na kaise aapko hai na रेमेडी सिलेक्ट करनी है, किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करनी है. अगर ये सब कुछ पता हो गया देन यू आर वेरी मच सॉर्टेड. सो या दिस वॉज टूडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. आई होप इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. इफ डू देन डू कमेंट मी कि ये आपको हेल्पफुल है. एंड आपको और भी कोई अदर वीडियोज देखनी है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.